ताज नगरी आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी बी ब्लॉक निवासी दंपति का 5 साल का बेटा शनिवार 2 जुलाई को केदारनाथ में खाई में गिर गया। खाई में गिरने के कारण बच्चे की मौत हो गई। इकलौते बेटे की मौत के बाद माता पिता सदमे में हैं। उन्होंने बच्चे को पिट्ठू पर बिठाया था। पिट्ठू पलटने से मासूम खाई में गिर पड़ा। इकलौते बेटे की मौत के बाद परिवार में कोहराम मचा हुआ है। ताजनगरी आगरा के ट्रांस यमुना कॉलोनी फेज 1 में रहने वाले विजय कुमार गुप्ता फुहारे पर ऑनलाइन टिकट बुकिंग का काम करते हैं। उनकी 20 साल की बेटी और 5 साल का बेटा सिवाय था। वह LKG का छात्र था। घर वालों के अनुसार विजय के रिश्तेदारों ने हरिद्वार में भंडारा किया था। विजय अपने और साढ़ू के परिवार के साथ वहाँ गए थे। वहाँ से परिवार समेत केदारनाथ भी गए। घर वालों ने बताया कि शुक्रवार को गौरीकुंड से भीम बली एक घोड़े से यात्रा की, जिसके बाद पैदल चलने लगे। शिवाय को परेशानी होने लगी, वह रोने लगा तो दंपति ने उसके लिए एक पिट्ठू कर लिया। उसे पिट्ठू की कंडिया में बैठा दिया और परिवार के लोग पीछे रह गए। पिट्ठू का भी आगे निकल गया। इसी बीच कुछ यात्रियों ने बच्चे के गिरने की सूचना दी। ये सुनकर दंपति के होश उड़ गए। वह तेजी से आगे की तरफ भागे, लेकिन पिट्ठू नहीं मिला। इधर पुलिस अनाउंस कर रही थी कि खाई में एक बच्चे का शव मिला है। तब दंपति ने उनकी शिनाख्त की। माता पिता शव देखकर बेहोश हो गए। बताया जा रहा है कि परिजनों ने बच्चे का अंतिम संस्कार वहीं कर दिया। रविवार देर रात घर वाले आगरा लौट आए। परिवार वालों में कोहराम मचा हुआ है। घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है। रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें ढांढस बता रहे हैं। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।